चतरा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना पूरे होने के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने सबसे अधिक मत प्राप्त करते हुए जीत हासिल की। वहीं दूसरे स्थान पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी अमित कुमार सिंह रहे। अपने जीत को लेकर कालीचरण सिंह ने कार्यकर्ताओं और लोकसभा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि हमारी जीत नहीं बल्कि ये चतरा की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की जीत है। उन्होंने कहा है कि चतरा के विकास और यहाँ के लोगों के विश्वास के लिए काम करना हमारी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता के जनमत को विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और चतरा लोकसभा में मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। देश की आजादी के बाद पहली बार घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो बेटा को तो चुनेंगे ही लोग, स्वाभाविक बात है। अपनी माता के पिता के जिन लोगों ने हमें चुना है मेरे माता पिता की तरह, भाई की तरह, काका की तरह, अनुज की तरह, सभी को जन्म जन्म में जितने बार भी मैं प्रणाम करूंगा शायद कम होगा। माता भद्रकाली क्या बिल्कुल मिला है, माँ का ही बेटा हूँ तो मिला है, माँ तो देती ही आशीर्वाद स्वाभाविक। क्या लगता है अब चतरा का विकास होगा? सही महीने में पूर्णतः मेरे शरीर की जितनी क्षमता है, खून की एक एक कतरा का पूरी एनर्जी लगा दूंगा चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के, विकास की रक्षा। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट, 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। चतरा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना पूरे होने के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने सबसे अधिक मत प्राप्त करते हुए जीत हासिल की। वहीं दूसरे स्थान पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी अमित कुमार सिंह रहे। अपने जीत को लेकर कालीचरण सिंह ने कार्यकर्ताओं और लोकसभा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि हमारी जीत नहीं बल्कि ये चतरा की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की जीत है। उन्होंने कहा है कि चतरा के विकास और यहाँ के लोगों के विश्वास के लिए काम करना हमारी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता के जनमत को विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और चतरा लोकसभा में मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। देश की आजादी के बाद पहली बार घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो बेटा को तो चुनेंगे ही लोग, स्वाभाविक बात है। अपनी माता के पिता के जिन लोगों ने हमें चुना है मेरे माता पिता की तरह, भाई की तरह, काका की तरह, अनुज की तरह, सभी को जन्म जन्म में जितने बार भी मैं प्रणाम करूंगा शायद कम होगा। माता भद्रकाली क्या बिल्कुल मिला है, माँ का ही बेटा हूँ तो मिला है, माँ तो देती ही आशीर्वाद स्वाभाविक। क्या लगता है अब चतरा का विकास होगा? सही महीने में पूर्णतः मेरे शरीर की जितनी क्षमता है, खून की एक एक कतरा का पूरी एनर्जी लगा दूंगा चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के, विकास की रक्षा।